इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई थी कोई रीजन से किसी भी, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक कुछ भी हो, सीटेट ही एक मात्र चीज हो सकता है, उसको यहाँ पे देखना पड़ेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अभी जो रोते हुए शख्स को आप देख पा रहे हैं, इनका नाम पप्पू कुमार झा है, सरायरंजन प्रखंड के अख्तियारपुर गांव के रहने वाले हैं, बेगूसराय जिला इनका बताया जा रहा है। पप्पू कुमार झा काफी देर से रो रहे हैं और इनकी उम्र लगभग 40 वर्ष की उम्र बताई जा रही है। इनका ये समस्या हुआ है कि आज शिक्षक नियोजन जो था उसका नियुक्ति पत्र मिल रहा था, प्रखंड स्तरीय जो शिक्षक बनने जा रहे थे उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था और जो पंचायत स्तरीय शिक्षक बनने जा रहे थे उन्हें भी नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। पंचायत स्तरीय जो नियुक्ति पत्र दिया गया जिसमें पंचायत सेवक के दिया गया है, और यहां पर आपको बता दें कि जो बीपीआरओ थे वो सभी मौजूद थे, बीओ भी मौजूद थे। रात के 12 बजे तक पप्पू कुमार झा प्रखंड कार्यालय हायाघाट में रोते रहे, उनका किसी ने नहीं सुना। काफी देर तक इन्हें समझाया गया कि आप इस तरह से आवेदन दें, इस तरह से काम करें तो आपका काम हो जाएगा। लगातार बता दें कि इसकी जो प्रक्रिया है नियुक्ति पत्र देने की वो लगातार चलता रहा। 11:30 के बाद भी ये सभी लोग मौजूद थे और सभी लोगों का 11:30 बजे तक ये फाइनल कर दिया गया था। ये पप्पू कुमार झा है जो अभी देख सकते हैं आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं। आइए आपको इंटरव्यू सुनाते हैं, पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं कि आखिरकार पप्पू कुमार के झा के साथ हुआ क्या और उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है। तो काफी देर से वो रो रहे हैं। दरभंगा जिला का हायाघाट प्रखंड मुख्यालय है ये, जहां पर ये अभी इस वक्त आए हुए हैं। स्थगित क्यों, किस लिए, किस मैसेज, इसके बारे में आपने पहले इन्फॉर्म किया? ममता कुमारी, कड़ी मध्य विद्यालय पोड़ा। आप बैठिए ना, जिनका हो गया लोग बैठिए। कुछ पब्लिक स्कूल में काउंसलिंग सेंटर पर आता, उस वक्त सुबह हम लोगों को एंट्री किया गया था गेट में। गेट में एंट्री करने के बाद सबसे पहले काउंसलिंग रजिस्टर था, उसके ऊपर अटेंडेंस बनाई गई थी सारे अभ्यर्थियों को जो जो काउंसलिंग में शामिल हुए थे। उसके बाद 11:30 बजे के बाद गेट क्लोज कर दी गई थी, जैसा कि नियम अनुसार था पहले वैसा रंजीत सर नियम बना। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग काउंसलिंग में वहाँ शामिल हुए, काउंसलिंग खत्म होते गई, लास्ट का अंतिम समय था। एक अभ्यर्थी दीवाल, जब हमारा काउंसलिंग चल रहा था तो एक अभ्यर्थी दीवाल फांद करके आ गया नियोजन स्थल पे, और उसके बाद बोला कि मैं हमारा आधार कार्ड लेके नाम चढ़ा हुआ था। उसके बाद उनका नाम जो रजिस्टर पर पंजी पे जो अटेंडेंस बनाए थे सारे अभ्यर्थी, उसमें उसका नाम नहीं था, और वो बोल रहा था कि मैं यहाँ आया था, लेकिन जबकि सुबह से वो मैंने उनका शक्ल भी एक बार भी नहीं देखा था, और मैं पूरा लाइन में खड़ा था। और उसके बाद मेरा वहाँ पे जब काउंसलिंग हो गया तो वो वहाँ हंगामा किए। उसके बाद डीओ मैम खुद आई, डीओ मैम जब देखा उनका अटेंडेंस शीट पे नाम नहीं था तो उनको हटा दिया गया वहाँ से। उसके बाद फिर उन्होंने आपत्ति दर्ज कर दिया इस आधार पर, वीडियो मैम चाहे किसी ने घूस लेके किया हो या किसी वजह से मेरा यहाँ इन वक्त पर सर कैंसिल कर दिए। मेरा हुआ क्या कि काउंसलिंग हुआ था पब्लिक स्कूल दरभंगा में, अगस्त महीने में काउंसलिंग हुई थी, जिसमें काउंसलिंग होने से पूर्व सारे उपस्थित कैंडिडेट का उपस्थिति दर्ज की जाती थी, एक रजिस्टर में अटेंडेंस बनाया जाता था, उसमें सारे उपस्थित स्टूडेंट का काउंसलिंग किया गया था गणित विज्ञान में के पद पर। सारे उम्मीदवारों को कोटी बाय कोटी बुलाया गया, सबका अक्षर इस तरह से काउंसलिंग होती गई। लास्ट में जब EWS की बारी आई, EWS की बारी आई तो मेरी कुछ कटअप 63 point something है, 4-2 or 3 है, मुझे याद नहीं है कम्प्लीटली। तो मेरा काउंसलिंग हो रहा था, उसी दौरान एक गार्जियन, जब मेरा सारा चीज़ हो गया था तो एक गार्जियन मेरे से, उससे पहले वो गार्जियन यहाँ मौजूद थे, उनके शायद कोई बच्चे दूसरे जगह पर थे, वो मुझसे पूछ लिया कि आपका माँ मेधा कितना है। मैंने उनको सही सही बता दिया, फिर वो उधर जाकर कॉल करके अपने बच्चे को शायद बुलाते हैं, और जब उस वक्त मेरा उपस्थिति पत्र पर नाम, काउंसलिंग पंजी पर नाम चढ़ चुका था, काउंसलिंग पत्री पर मेरा नाम चढ़ चुका था, उसके बाद वो हल्ला करने लगते हैं कि क्या जब मैं उपस्थित था मेरा नहीं हुआ। लेकिन जब
मैंने उनको बोला कि ठीक है आप सुबह से उपस्थित थे, तो जब बच्चे की उपस्थिति पंजे पर सिग्नेचर किया गया था तो उस पर आपका नाम होना चाहिए। जिस समय तीन नाम पुकारा गया वो भी बोले, जिस वक्त तीन नाम पुकारा गया उस वक्त आपको होना चाहिए, या उपस्थिति पंजे पर आपने जब कैंपस में उपस्थित हुआ था उस वक्त नाम चढ़ा होना चाहिए। पहले क्यों नहीं किया आपने उपस्थिति पंजे पर अपना उपस्थिति दर्ज करवाया? तीन बार नाम पुकारा गया तो नहीं था, और तीन बार जब नाम पुकारा गया तो भी आप उपस्थित नहीं थे। अब जब मेरा नाम वहाँ पे चढ़ गया है आपको काउंसलिंग पंजी पर, तो आप हंगामा कर रहे। उस दौरान विभा मैम भी आई थी और वो बोल करके गए कि नियोजन साफ सुथरा होना चाहिए, और उस लड़के का नाम जब नियोजन उपस्थिति पंजी पर खंगाला गया तो विभा मैडम कौन है वो भी बताइए ना। शिक्षा पदाधिकारी है, जिला शिक्षा पदाधिकारी है दरभंगा के। हेलो जी, वीडियो साहब भी उपस्थित है और वहाँ पर उपस्थित सारे अभ्यर्थी भी मौजूद थे जो ये गवाह देने को तैयार हैं कि मेरी उसमें कोई किसी प्रकार की कोई संलिप्तता नहीं थी, कोई गलती नहीं थी। सारे लोग वहाँ पर उपस्थित मेरा सपोर्ट करेंगे, आप पूछ सकते हैं किसी से भी। और अभी ना इसके बारे में मुझे पूर्व में कोई सूचना दी गई, और जब मैं यहाँ पे अपना नियोजन पत्र प्राप्त करने के लिए आया उस वक्त ये कहकर रोक दिया गया जाता है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा वीडियो साहब के द्वारा आपके ऊपर कोई शायद कंप्लेन किसी लड़के ने किया था, उनसे जवाब मांगा गया था और उन्होंने जवाब नहीं दिया, इस वजह से आपका नियोजन काउंसलिंग पत्र को नियुक्ति पत्र को रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया। अब बताइए इसमें मेरी क्या गलती है, मेरा क्या दोष है? मेरी सारी उम्र इसमें ख़त्म हो गई, इसके लिए मैं जीवन भर प्रतीक्षा किया, आज वो चीज के लिए मुझे रोका जा रहा। अब मैं दूसरी जगह नहीं जा पाऊँ, मैं ना दूसरी जगह जा सकता हूँ ना और किसी अन्य विभाग में काम कर सकता हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? अभी आपके परिवार की रोजी रोटी कैसे चल रही है? सब मेरे ऊपर है, मैं एक प्राइवेट संस्थान में पढ़ाता था, उसको भी छोड़ दिया, उसको भी इस वजह से छोड़ दिया था। तो यहाँ पर अभी फाइनल आपको क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि आपके द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी से के द्वारा रोक लगाई गई है, अगर वो स्वीकृति दे देते हैं तो मैं यहाँ पे आपको नियुक्ति प्रदान कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है यहाँ पे जरूर कुछ। आपके आंसू को देखने के बाद ये पदाधिकारी क्या बोले आपको? कुछ नहीं बोल रहे, कोई लोग कुछ नहीं बोल रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे, किसी ने कुछ नहीं जवाब दिया। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार झा। आप आए कहाँ से थे? सराय रंजन प्रखंड के अख्तियारपुर गांव। अख्तियारपुर गांव। हाँ। और यहाँ पर कहाँ पर आए थे अभी? हाया घाट ब्लॉक में आया था, ट्राइशम भवन में हम लोगों का नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। कितने घंटे से रो रहे हैं? जब से नियुक्ति पत्र स्टार्ट हुई है प्रक्रिया 3:30 के आसपास, फॉर्मेशन भी नहीं दी गई थी। किसी भी स्पेलिंग मिस्टेक कुछ भी हो, सीटेट ही एक मात्र चीज हो सकता है, उसको यहाँ पे देखना पड़ेगा।